भाजी आज की रात बड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज पार्टनर एक्सचेंज है और सबसे पहला एक बलराज सर का होने वाला है भाजी। ओहो सर, जोरदार ताली हो जाए बलराज और दो लड़कियों के लिए। दो लड़कियां मिल गई। सिद्धू दो दो लड़कियां। रेल भाई आज मेरे पंच फूटे ना फूटे, बलराज पूरा फूटेगा आज। भाजी मैं कितना कमीना आदमी हूँ, लड़कियां मिलते मम्मी को फोन करना भूल गया। अभी करते हैं। हेलो पापा। क्या ना जैसे आज मैं कांड करने वाला मम्मी को बता नहीं सकता। हाँ कॉमेडी सर्कस आने वाला है। हाँ देखना मैं टीवी बंद कर दो। जैसे जैसे काम मैं आज करने वाला हूँ बंद टीवी भी बचाओ बचाओ चिल्ला सकता है। सुहेल भाई मैं बड़ा खुश हूँ आज, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे देखो दोनों भाई पंजाबी एक गुजराती भाई, पंजाबी और गुजराती में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा। ये इतने प्यारे लोग हैं ये बीवी को भी बहन बोल देते। एक टाइम था कि बादशाह पाजी के शो में जाने के लिए इतनी लंबी लाइन इतनी भीड़ होती थी, आज देखो स्पेशल टाइम निकाल के मेरा शो देखने आए हैं। बादशाह पाजी मैंने आपका वो गाना सुना है, वो लड़की बोल रही मेरा गाना बजा दो, आप बोल रहे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं। बुलाया गाना बजाने के लिए और गाना बजाया नहीं, उसको झांसा बोलते हैं पता है। हार्डी ने भी ऐसे किया अपने एल्बम में। इतनी सुंदर लड़की बोल रही है मैं ना गोरी। जैसे जैसे स्टेप करके वो जूती मांग रही है, आपकी जगह मैं होता मैं जूती खाने वाले काम करके आता वहां से। जो आनंद को बोलती कि सुहेल प्लीज तुम मुझे अपनी गोल्ड की चेन दे दो, जब मैं पोलैंड जाऊंगी मैं चेन देख के तुमको याद किया करूंगी। कहते तो ये सोच के याद कर लेना मैंने मांगी थी उन्होंने दी नहीं। अंदर लड़की को कभी नहीं मना करना चाहिए। मेरी मम्मी बोलती थी तू गांव वाले से शादी कर ले, पापा बोलते थे मॉडर्न लड़की से शादी कर ले, मैंने दोनों से कर ली। वो तो लड़कियां मजा ही आ गया, बड़ा मजा आता है दो लड़कियों को हैंडल करने में। एक सेकंड गांव वाली का फोन आया। बेबी मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आ रही हो? कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ दैट्स ओके। सुहेल भाई इससे पहले कि बाहर वाले अंदर आए, अंदर वाले को बाहर भेज देते हैं, है ना बेबी। सुहेल भाई अभी तो करंट भी नहीं पूरा मिला, जनरेटर स्टार्ट भी हो गया। ओह माय गॉड गौरव तुम इसको लाइन नहीं देते, जैसे इसने मेरे को हक किया मैं इसको पूरी प्रॉपर्टी दे दूं। लाइन नहीं देते? आपको मेरे घर में बिल्ली भी दूध पीने आना बिल्ला मना कर देता है, कहता पांच रुपए के दूध के चक्कर में इसके घर नहीं जाना। बेबी ये तुम बोल दो। वाओ लेकिन ये तो तुमने बोल दी, चलो दूसरी लाइन बोलो। एक अच्छी लाइन दूं? हाँ इधर आओ। अच्छा बेबी ये बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आयो, वो तुम्हारी फिल्म आई थी ना कुछ कुछ होता है। हाँ। मेरे को बताओ ना क्या क्या होता है। आप सोचो अभी तो ये पहली है, जब दूसरी आएगी फिर दूसरी दूसरी बात जब तुमको मैं बताऊंगा। हाँ, बुरा मत मानना। क्या है तुम्हें ना घर से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्यों? वो मेरे फूफा जी आ रहे हैं। डार्लिंग तुम्हारी कोई फूफा नहीं है। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, मुझे भी उनसे मिलना है। बेबी वो औरतों से नहीं मिलते हैं, वो बड़ी नफरत करते हैं औरतों से। वो तो बड़े भी बाप का दूध पी कर हुए हैं। सुहेल भाई बकवास मत करो, बाप का दूध कहाँ होता है? होता है ऐसे मत करो, होता है। आप किसी दुकान पे जाओ दूध का डिब्बा उठा के भागने को बोलता है रख तेरे बाप का दूध है। अच्छा ऐसे उल्लू बनाओगे? भाग यहाँ से। आड़ी पाजी मेरे को ना दूल्हे वाली फीलिंग आ रही पता है, मतलब पुराने रसगुल्ले का टेस्ट अभी गया नहीं, किसी ने बर्फी का पीस मुंह में डाल दिया हो। जानू आओ ना मुझे मेरे गांव की मिट्टी चूमनी है। मिट्टी तो मेरी चप्पल में लगी है, चूमोगे? मैंने कोई आवाज सुनी? मैंने कोई आवाज सुनी? मेरे दिल की आवाज है। नहीं मैंने कोई पक्का आवाज
सुनी है। देखो तुम पारितोष की टीम से आई हो ना, देखो तुम्हारे बदन से कविता की बू आ रही है, तुम जाके नहा लो, मैं तुमको बाद में मिलता हूँ। प्लीज बेबी गो ना, बेबी। किसकी आवाज आ रही थी? हेलो, उधर मत जा, जितने मर्द बैठे उधर से किसकी आवाजें आएंगी फिर? बकवास मत करो, किससे बात कर रहे थे? मैं हाडी से। हाडी से? लेकिन मुझे लड़की की आवाज आ रही थी। तो बीच में दर्शन बोला होगा कहीं पे, फिर मेरे को आइडिया नहीं है। काम करो, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, तुम जाओ। ओके। बड़ी टेंशन है, दो दो बीवियों के, लेकिन मजा बड़ा आता है। स्वामी, 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 आपके बाथरूम की खिड़की टूटी हुई है। वो तो मैंने वो पड़ोसी के बाथरूम में झांकने के लिए तोड़ी है। क्या? वो कहना, वो गुप्ता जी की जो बीवी है ना, उन्होंने बोला था कि उसका ध्यान रखना। एक काम करो बेबी, तुम जाओ प्लीज। अरे लेकिन एक मिनट, ये बैग किसका है? किसका है ये बैग? ये बादशाह का। बादशाह को लेडीज बैग का शौक है? उनके तो गर्लफ्रेंड भी लेडीज है, क्यों भाई? बेबी है, होता है लोगों को शौक। वो नहीं, तो बेबी आप झूठ बोल रहे हो, कुछ बताओ ये बैग किसका है? बेबी ये एक्चुअली मेरा बैग है। आप ये लेडीज बैग लेते हो? तो तू इसमें परेशान क्यों रही? तूने अभी मेरी शर्ट उतरवा के नहीं देखी? मैं परफ्यूम भी लगाता हूँ लेडीज। हैं हैं, क्या होता है? बेबी मेरी बैग, मेरी बैग। तुम इस बैग के पीछे किसी को छुपा रहे हो? मैंने आज तक तुमसे कुछ छुपाया नहीं, आज छुपाने दो प्लीज। बेबी बैग की उस तरफ कौन है? तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है? नहीं। इधर आओ, पकड़ो इसको, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम बैग छोड़ा तो। एक मिनट सर जी, एम्बुलेंस बुला दो, जरा मैं पकड़ा गया हूँ। पहले कौन मारेगा? ये कौन है? मैं पूछती हूँ ये कौन है? तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानती? नहीं। मेरे को कह रहे तेरे को सेलिब्रिटी दी है, एक दूसरे को भी नहीं पहचानते, बताओ। ये मेरे घर में क्या कर रही है? तुम इसके घर में क्या कर रही हो? सॉरी डार्लिंग, ये मेरा घर है। मेरा घर है? अच्छा, ये हमारा घर है। मैं बोल रही हूँ हमारा घर है। मुझे लगता है कुछ फिजिकल करना पड़ेगा। इनको जाने दो, कर लेते बाद में। तू मेरा पति मुझसे छीनेगी, मैं तेरा सुहाग छीन लूंगी। क्यों? मैं तेरी पति की नाक तोड़ दूंगी। ऑलरेडी नाक तो फैली हुई है। मैं इसे जान से मार डालूंगी। अरे जान से तो इसको मारेंगे, इसका फेल। भाई अभी कमेंट दे दो कि वहां पर आके लूं। जजेस, इन दो बीवी के बीच में एक पति का सिचुएशन आपको कैसा लगा? अर्चना जी, मैन सराउंडेड बाय टू वुमेन, इट्स एक्चुअली अ वेरी सीरियस, और हर बंदा यहाँ पर जो बैठा हो या जो देख रहा है ये शो, तो सोच रहा है बॉस अगर ये सीरियस लाइफ में हो ना असली, तो ये बहुत सीरियस है। लेकिन व्हेन यू लुक एट इट थ्रू कॉमेडी एंड थ्रू द आईज ऑफ अ कॉमिक राइटर, तो इट इज पोटेंशियली डायनामाइट। बहुत अच्छा एक्ट है, वेरी एंजॉय। सहल जी, बलराज, अगर आपके रियल लाइफ में अगर ये बात होती तो आपको स्ट्रेस होती, राइट? तो आप फिर आके मेरे फादर से सीखो कैसे दो को संभाला जाता है। बिकॉज मैंने कभी ये देखा ही नहीं, स्ट्रेस ये झगड़ा ये कभी देखा ही नहीं है कि इसको छुपाओ, इसको लेके आओ, कुछ नहीं। बस आप बताइए इस चैलेंज के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? इतना ही बोलूंगा कि कॉमेडी सर्कस में तेरी सरकार बना दूं, लड़कियां दो हैं मैं चार बना दूं। वैसे तो हूं बादशाह, आज रात तुझे स्टार बना। थैंक यू बिल भाई जी, इतने बड़े स्टार आए हैं, शरारतें करें तो मजा नहीं आता ना। बादशाह भाई, तो मैं चाहता हूँ आप जो रोज करते हैं ना वो ना करें, तो रैप म्यूजिक कुछ नहीं। अच्छा, अवार्ड विनिंग स्पीच, लेकिन आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, आप सिर्फ बोलोगे पीछे से हाथ मेरे चलेंगे। भाजी इजी, भाई हूं मैं आपका। थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है।
इस अवार्ड को पाने के लिए और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ बलराज का. बलराज को देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली कि अगर बलराज कॉमेडी सर्कस में आ सकता है तो मैं ये ग्रैमी जीत सकता हूँ. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.